लेकर एक के बाद एक नई मांग उठने लगी हैं। पहले सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद गणेश लक्ष्मी और बाबा साहेब की फोटो लगाने की मांग, महाराष्ट्र में वीर सावरकर की फोटो की मांग, और अब आरजेडी नेता ने करेंसी पर लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की फोटो लगाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कभी न्यूज। भारतीय करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की फोटो नोट पर लगाए जाने की भी मांग उठने लगी है। बिहार आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय करेंसी पर लालू यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर की फोटो लगाई जाए ताकि भारतीय रुपए में जो गिरावट आ रही है वो रुक जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह भारतीय करेंसी को उठाने के लिए नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग की है, तो उसी तरह मेरी मांग है कि नोट पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लालू एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो रहे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह रेलवे में चली आ रही घाटा प्रणाली लालू जी के रेल मंत्री बनते ही समाप्त हो गई और रेलवे मुनाफे में चलने लगा, इस तरह हमारा मानना है कि अगर लालू और कर्पूरी ठाकुर का फोटो भारतीय करेंसी पर एक साइड रहेगा तो रुपए में जो गिरावट आ रही है वो रुक जाएगी और भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी। अब आपको बता दें कि क्यों अचानक से उठने लगी है ऐसी मांग। सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने भारतीय करेंसी पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाने की बात कही थी। इसके बाद ही इस विवाद ने जन्म ले लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार यानी 26 अक्टूबर 2022 को भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग करते हुए कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी और देश को विकसित बनाने के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बुधवार को एक ट्वीट कर नोटों पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर होने की मांग की है। इसके साथ ये तर्क भी दिया है कि बाबा साहेब के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। बसपा के बाद कांग्रेस ने भी लगभग इस बयान पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हर भारतवासी अमीर परिवार बने, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, अस्पताल बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन कोशिश तभी कामयाब होगी जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा। कई बार देखते हैं कि कोशिश का परिणाम नहीं आ रहा है, तब लगता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद तो नतीजे आने लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली पूजा के समय उनके मन में ख्याल आया कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाई जाए और कई लोगों से भी बातचीत हुई, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। अब देखना ये होगा कि भारतीय करेंसी पर जन्मा ये विवाद कब शांत होगा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ कभी न्यूज पर। नमस्कार।